आज हमने मिर्चों का पेस्ट बनाया है, हरी मिर्चों का, और इसको किस तरह महफूज करना है ये मैं आपको बताऊंगी। और ये 2-3 महीने तक जो है आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान में ये चीज़ बना के रखें, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सालन में इस्तेमाल करें, चटनी के तौर पे इस्तेमाल करें, जैसे आपका दिल करता है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरह बनाई है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं स्टोर करने के लिए, हमें क्या करना होगा, देखते रहिए वीडियो को पूरा। तो चलिए आइए तैयार करते हैं हरी मिर्चों का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश खुरम होंगे। सब्ज़ मिर्चें हैं बहुत ही फ्रेश फ्रेश, बहुत प्यारी। इनको मैंने धो लिया है, आधा किलो ये मिर्चें हैं मेरे पास, बारीक बारीक लंबी लंबी सी, बहुत फ्रेश सी, अच्छी तरह धोया है इनको। तो इनका हमने क्या करना है, देखिए रमज़ान आ रहा है और हमें बहुत सारी चटनियाँ और सॉसेज जो हैं वो बना के हम रखेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि मिर्चों का पेस्ट मैं, आपको पता है कि हर सालन में मैं डालती हूँ, इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आज मैं रमज़ान के लिए जो है ना वो मिर्चों का पेस्ट जो है वो तैयार करके रखूँगी, जो कि 2-3 महीने तक जो है वो ख़राब नहीं होता। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हमने इसको स्टोर करना है, महफूज करना है। तो एक चम्मच आप कोई भी सालन बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, दाल बनाएं, गोश्त बनाएं या फिर चावल बनाएं, एक चम्मच इसका भर के डाल दें, इतना ज़बरदस्त जायका हो जाता है सालन का। तो इसके और भी बहुत सारी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, एज ए चटनी आप इसे खा सकते हैं। इसमें धनिया पुदीना मिलाएं, थोड़ी सी दही मिला लें, दही में डाल लें, तो आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका देंगी। तो चलिए इसको आधा किलो मिर्ची लेनी है, इनको अच्छी तरीके से धो लिया है। अब मैं इनको काट लूँगी, आप काट लें, बड़े टुकड़ों में काट लें, छोटे टुकड़ों में काट लें, जैसे आपका दिल करता है काट लें, डंडियाँ उतार दें। तो मैं इनको काट के फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हरी मिर्चों को मैंने डंडियाँ उतार कर जो है इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और ये देखें, ये इसकी डंडियाँ हैं, ये सारी डंडियाँ मैंने, और जो हरी मिर्च मुझे सही नहीं लगी, जो ख़राब थी थोड़ी सी, वो भी मैंने निकाल दी हैं। तो अब हमने इसको पीसना है, आप जिस तरह मर्ज़ी आपका दिल करता है पीसें, आप चाहे सिलबट्टे पर पीस लें, चाहे कुंडी में पीस लें, या आपके पास कोई और तरीका है। मैं इसको ग्राइंडर में पीसूँगी और कोशिश करें पानी थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करें। तो मैं इसको ग्राइंडर में पीस कर फिर आपसे मिलती हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि इसमें पानी कितना शामिल हुआ है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसको स्टोर करने के लिए हमने क्या करना है। अच्छा जी, पेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है, और आपने पेस्ट जो है ना वो बहुत ही मुलायम बनाना है। और इसको जो पानी जो इसमें डाला है वो तकरीबन आधा कप पानी डाला है, इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। और आप देख रहे होंगे कि इसका कलर जो है वो कितना डल सा हो गया है, हल्का हो गया है, वाइट वाइट सा। तो हरी मिर्चों को जब हम पीसते हैं तो उसका कलर जो है वो इसी तरह हल्का हो जाता है। और बाज़ार में जो आप हरी मिर्चों का पेस्ट देखते हैं, जो ख़रीदते हैं, तो उसमें फूड कलर का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप चाहें तो आप फूड कलर का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर लें ग्रीन, और इसमें जो है वो ऐड कर लें। लेकिन अगर आप, मैं जो अपने लिए बनाऊंगी तो उसमें मैं कलर जो है वो ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि केमिकल से पाक चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं इंसान के लिए। तो अब जो मैंने इस्तेमाल इसमें करना है वो है नमक। आप एक खाने का चम्मच इसमें नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और उसके बाद जो है आपने ये देखना है कि जब आप सालन में इसको डालेंगे तो सालन में नमक की क्वांटिटी आपने ध्यान से डालनी है, क्योंकि फिर इसमें भी नमक शामिल होगा तो नमक तेज़ ना हो जाए सालन में। तो ये देखें, इसको मिक्स कर दिया हमने, और अब हम इसको महफूज करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो, या तो आप थोड़ी सी इसमें टार्टरी का इस्तेमाल कर लें, 2-3 पिंच टॉटरी, आप इसमें टॉटरी कैसे जो होता है वो डाल लें, या फिर आधा कप इसमें आप सिरका डाल लें। ठीक है, मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका, आधा कप मैंने इसमें सिरका डाल दिया, और इसको अब अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। इसकी एक धसक सी उठ रही है जो कि गले में लग रही है, तो ये देखें इसको अच्छी तरह मिला दिया। और अब मैं इसको बंद करके फ्रिज में नीचे रख दूँगी, फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, मैं इसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखूँगी। तो ये अब हमारी चटनी जो है वो 3 महीने तक के लिए जो है वो महफूज रह सकती है, पेस्ट जो है ये हरी मिर्चों का। तो जब भी आप सालन पकाएं, कोई चीज़ पकाएं, और उस सालन की क्वांटिटी के मुताबिक जो है इसमें ये पेस्ट जो है वो डाल दें, यकीन करें आपका जो सालन है सॉरी, मैंने आपको बताया ना इसकी एक धसक सी उठ रही है, क्योंकि हरी मिर्चें जब पीसते हैं तो वो एक उड़ती हैं तो वो गले में लगती हैं, तो माजरत इसके लिए। और ये कि जब आप इसको सालन में डालेंगे तो आपने मसाले को भूनते हुए वक्त ये डालनी है, और आपने मिर्चों की क्वांटिटी का भी ख्याल रखना है कि ज़्यादा ना हो जाए।
तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपने वीडियो को शेयर भी करना है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, फीडबैक में आपने बताना है आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।